आज एक स्प्रिंग पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो देख लेते हैं। कि एक हेलिकल स्प्रिंग को डिज़ाइन करना है, एक रफ पेज में हम डिज़ाइन एक हेलिकल स्प्रिंग बना दे रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये इसका जो होता है मेरा, ये जो है ये हो गया डायमीटर स्मॉल डी, मतलब डायमीटर ऑफ क्वाइल, और ये हो गया मीन डायमीटर ऑफ क्वाइल कैपिटल डी। ओके, तो इसको बोलते हैं मीन डायमीटर ऑफ क्वाइल, ये हो गया डायमीटर ऑफ वायर। तो ये वायर हुआ और ये क्वाइल हुआ, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न है तो तुम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर ऑफ इसमें टर्न बनाया गया है, तो नंबर ऑफ टर्न 5 हो गया। तो क्वेश्चन में ये करना है क्या चीज़, कि इसके ऊपर जो लोड है वो लोड W जो दिया गया वो मैक्सिमम 1000 न्यूटन इसके ऊपर लोड अगर दिया जाएगा तो, ठीक है ना। जब इस पर लोड दिया जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग दबेगा। जब स्प्रिंग दबेगा तो मान लेते कि स्प्रिंग का शेप ऐसा हो जाएगा, सपोज दैट दबने के बाद ये मेरा अगर फिक्स पार्ट हो जाता है, तो दबने के बाद जो जो इसमें डिफ्लेक्शंस हुआ, मतलब टोटल लेंथ, अगर ये इसका इनिशियल लेंथ यहाँ से लेके इसका लेंथ है, ओके, तो अब इसमें दबने के बाद जो डिफ्लेक्शंस पैदा हुआ वो डिफ्लेक्शंस हो गया 25 mm। तो 25 mm इसमें डिफ्लेक्शंस पैदा हो गया, तो इसमें दबने के बाद जो डिफ्लेक्शंस पैदा हुआ, डिफ्लेक्शन कितना पैदा हुआ, इतना और इतना, तो इसको मिला दो इसको मिला दो, तो ये दोनों को मिलाने के बाद जो मेरा आंसर आया है डिफ्लेक्शन वो आया है 25 mm। तो अगर डिफ्लेक्शन का मान लेते हैं कि यहाँ पे वाई के अलोंग कर रहा है, मतलब एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे y1 और y2 मान ले, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो y1 + y2 इक्वल टू 25 mm डिफ्लेक्शन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। इसके अलावा एक क्वेश्चन में और दे दिया होगा कि जो स्प्रिंग इंडेक्स होगा मेरा, स्प्रिंग इंडेक्स वो दे दिया है 5। अब सवाल है कि जो स्प्रिंग इंडेक्स से वो क्या होता है, तो स्प्रिंग इंडेक्स को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैपिटल डी बाई डी। ये सी को रिप्रेजेंट ज़रूरी नहीं है कि जिस बुक से हम फॉलो कर रहे हैं, तुम जिस बुक से फॉलो कर रहे हो वहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करता होगा, वो दूसरी चीज़ से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सी से रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग इंडेक्स को, जिसको कहते हैं कैपिटल डी। रेशियो ऑफ द कैपिटल डी टू स्मॉल डी, डी मतलब मीन डायमीटर्स एंड डी मतलब डायमीटर ऑफ द वायर। ओके, जैसे कि ये मान लो ये वायर मेरा है, तो ये अगर हम इस तरह का स्प्रिंग तैयार कर रहे हैं, 2 3 करके ज्वाइंट, ये एक तरह का स्प्रिंग हम ज्वाइंट तैयार किए हैं। ओके, ये अगर स्प्रिंग हम बनाए इस तरह का हम है, तो इसको बोलेंगे कैपिटल डी। ओके, दिस इज अ कैपिटल डी डायमीटर ऑफ द कॉइल, लेकिन इसका जो डायमीटर है इसको बोलेंगे स्मॉल डी। ये तुमको दे दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मेरे को जो क्वेश्चंस होगा वो कैलकुलेट करना होगा। बी डायमीटर ऑफ स्प्रिंग, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। इसके अलावा और कुछ कुछ डाटा दिया रहेगा, दिया रहेगा कि स्प्रिंग जिस मटेरियल से बना हुआ होगा उसका जो मॉडुलस ऑफ द रिजिडिटी, क्योंकि इसमें शेयरिंग होना चाहिए, तो शेयरिंग से रोकने के लिए जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ होगा उसका वैल्यू जी इक्वल टू 420 MPa दिया हुआ है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये शियर स्ट्रेस हो गया, तो शियर स्ट्रेस एंड सो इट इज शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, दिस इज शियर स्ट्रेस एज्यूम एंड दिस मॉडुलस रिजिडिटी इज इक्वल टू 48 kN/mm². ओके, दिस इज शियर स्ट्रेस, दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ तुमको होगा। इसके अलावा हिंट्स के लिए तुमको दे दिया होगा कि जो वॉल्स फैक्टर है वो तुमको यूज करना है, K इज इक्वल टू
4c-4 1 प्लस 0.615 डिवाइड बाय c, ये तुमको यूज़ करना होगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बेसिक इक्वेशन यूज़ करते हैं। हमारा सबसे पहले टारगेट होता है बेसिक इक्वेशंस। तो बेसिक इक्वेशंस फॉर स्प्रिंग का क्या चीज होता है, ठीक है, बेसिक इक्वेशन हमारा होता है शीयर स्ट्रेस का, ओके, जो तुम लोगों को पता सबको होगा हमारा। तो बेसिक इक्वेशन होगा टाउ द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इक्वल टू K8W, ओके, एंड C डिवाइड बाई पाई D2। ये बेसिक इक्वेशन जो स्प्रिंग के लिए यूज़ करना है, इसको याद कर लेना है। तो हैंडबुक में ये इक्वेशन दिया रहेगा। अब देख लेते इसमें क्या क्या मेरे पास है। शीयर स्ट्रेस इज गिवन 420, ओके, और उसके बाद मेरे पास 8W हो गया लोड, C हो गया स्प्रिंग इंडेक्स, ओके, स्प्रिंग इंडेक्स मतलब C हो गया कैपिटल D बाई स्मॉल D स्प्रिंग इंडेक्स। तो पुट कर देते हैं हम लोग, हैं तो 420 इज मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इक्वल टू के, के का वैल्यू कहाँ से निकला, के का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो जब पुट कर देखते हैं के इक्वल टू 4, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 माइनस 4 प्लस 0.615 बाय 5। इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा तुमको वो आएगा 1.31, ओके। तो 1.31 इंटू 8W लोड कितना हो गया, लोड 1000 न्यूटन्स, ओके। सी कितना दिया हुआ है 5 पाई, स्मॉल डी का वैल्यू मुझे पता नहीं। तो इस इक्वेशन में मुझे सब कुछ पता है तो यहाँ से मैं डी निकल जाएगा, तो डी को निकालने पर आंसर आ 6.3 mm, हम डी को निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू को जब भी यूज़ किया जाता है तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग 6.5 हम mm ले लिए। तो जब मुझे स्मॉल डी निकल गया तो कैपिटल डी निकल जाएगा यहाँ से है, तो क्योंकि जानते हैं सी इज इक्वल टू डी बाई डी होता है, तो सी दिया हुआ 5, कैपिटल डी मुझे पता नहीं, ये 6.5 दिया हुआ। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर लगभग तुम्हारा जो 32 के आसपास आएगा। ये हो गया मेरा दिस वन। अब ये क्वेश्चन हो गया डायमीटर, लेकिन डायमीटर जो है मेरा वो तो हो गया मीन कॉइल डायमीटर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया टू कैलकुलेट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया मीन डायमीटर कैलकुलेटेड। सेकेंड पॉइंट निकालना होगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉइल, वो क्या होता है उसको भी देख लो। जब इसको हम इसे गोल घुमाते हैं, ओके, तो जो मीन डायमीटर जो निकाले हैं डी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले हैं। आउटसाइड बोलते हैं यहाँ, तो ये जो है ये चीज़ को बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक बोलते हैं आउटसाइड, ओके। जैसे कि फिगर आप ड्रॉ कर दे रहे हैं वहाँ पर, तो यहाँ से लेके एक यहाँ हो गया, एक यहाँ से एक यहाँ हो गया, तो इसको बोलते हैं मीन डायमीटर डी। ये हो गया आउटसाइड डायमीटर। तो आउटसाइड डायमीटर कितना होगा मेरा है, तो बहुत सिंपल है कि आउटसाइड डायमीटर डी नॉट इक्वल टू डी प्लस डी, ओके, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा डायमीटर दिया हुआ था मेरा, तो बहुत इजी निकल गया। तो 32 प्लस 6.4 आंसर जो भी तुम्हारा हो गया लगभग अप्रॉक्स। अब सेकेंड थर्ड क्वेश्चन तुमको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इसमें कितना टर्न बनाया जा सकता है। अगर ये सब कंडीशन दिया रहे तो कितना नंबर ऑफ उसमें टर्निंग हम दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स को जब भी निकालने की कोशिश करो तो हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए एक ही इक्वेशन, बोलते हैं डिफ्लेक्शंस ऑफ स्प्रिंग। इसका यूज़ करेंगे, इसका कैसे होता है, मेरा फॉर्मूला है डिफ्लेक्शंस का, स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता है मेरा, तो डिफ्लेक्शन फॉर्मूला था डेल द डिफ्लेक्शंस 8WC का पावर 2N एंड जी एंड डी। ये हो गया डिफ्लेक्शंस, लोड, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, सब कुछ मेरे पास दिया हुआ। डिफ्लेक्शन 25 दिया हुआ, सॉल्व कर लेंगे तो इसका एन का वैल्यू मुझे आएगा वो लगभग 14 mm के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा निकल गया। नेक्स्ट है तुमको इसमें निकालना होगा, तुमको फोर्थ नंबर पर वो निकालना होगा फ्री लेंथ।
फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग। फ्री लेंथ का स्प्रिंग का मतलब होता है कि जैसे कि एक स्प्रिंग खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो इसका लेंथ क्या है, इसको बोलते हैं फ्री लेंथ। जो मेरा एल है, जब एल मान, यही था मेरा फ्री लेंथ। तो कितना का फ्री लेंथ होगा, तो फ्री लेंथ होगा नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डायमीटर्स प्लस डिफ्लेक्शंस प्लस 0.15 डिफ्लेक्शंस। एक फॉर्मूला होता है ये हमारा, क्योंकि एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डायमीटर, क्योंकि देखो यहाँ यहाँ पे जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये भी तो मैं ऐड हुआ, तो लेंथ निकालने के लिए मुझे इस डायमीटर को ऐड करना पड़ेगा, जितना भी डायमीटर है सबका ऐड करना पड़ेगा मुझे। प्लस ये अब प्लस इसमें जो गैप है, ये गैप होगा मुझे, तो जो गैप हो जो जैसे दबा देंगे तो डिफ्लेक्शंस, तो डिफ्लेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन को यूज़ किया गया। अब प्लस इसमें कुछ कुछ क्लियरेंस होता है, ऐसा नहीं होता कि स्प्रिंग को दबा दें तो ये कॉइल इसमें अगर फंस गया, तो फंसने में तो हमारा एक क्लियरेंस होना चाहिए। तो सभी को लेके हम लोग, मेरे पास एन पता है, डी पता है, डिफ्लेक्शन पता, तो यूज़ करके हमको इसका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर 131 mm के आसपास निकलेगा। तो फ्री लेंथ जब स्प्रिंग को छोड़ देंगे खुला हुआ, तो इसका लेंथ 131 होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पूछेगा कि पिच निकालना है, पिच ऑफ स्प्रिंग। मतलब पिच मतलब है कि एक पिच में एक से लेके दूसरे के बीच का क्या डिस्टेंस होता है, कितना हम लोग जा सकते हैं एमएम पे। तो बहुत सिंपल है कि जितना भी फ्री लेंथ है, फ्री लेंथ डिवाइड बाय एन माइनस वन कर सकते हैं, इजी से हम लोग हैं। ओके, तो एन माइनस वन कर देंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब कि यहाँ पे एक कॉइल, क्योंकि एक कॉइल तो हमेशा फिक्स रहता है मेरा है, तो कितना इसमें इफेक्टिव कॉइल होगा मेरा, तो इफेक्टिव कॉइल मेरा ये हो गया। तो टोटल फ्री लेंथ हो गया 131 डिवाइड बाई एन, मेरा कितना आया था 14 प्लस 13, तो सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल जाएगा मैथड। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है कि एक आता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, एक होता है टोटल इफेक्टिव कॉइल्स। तो जैसे ये चीज़ देखोगे कि ये हो गए टोटल जो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए एन, लेकिन इसमें इफेक्टिव कॉइल कितना होता है, क्योंकि एक कॉइल को देखते क्या चाहिए, एक कॉइल को हम फिक्स कर लेते हैं, तो इसमें से एक कॉइल को हम लोग हटा देते हैं, एक कॉइल हम लोग यहाँ पर लोड पड़ता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो मेरा एन जो होता है, इफेक्टिव कॉइल जो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल एन प्लस टू, ये लेके यूज़ करते हैं। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, ये हो गया टू। मैं ऐड करते हैं एक नीचे ऊपर की तरफ से, ताकि हम इसका आंसर जल्द निकल सकें। कभी कभी एन प्लस वन भी का डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का ये जो इंड पॉइंट किस कंडीशंस पे है। ओके, जैसे कभी अगर स्प्रिंग मेरा इस कंडीशंस पे है, तो ये दोनों पॉइंट को हम लोग छाट सकते हैं, क्योंकि हमारा इफेक्टिव तो ये दोनों तो हैंगिंग करने के लिए, तो ये भी कॉल ही है लेकिन इसका यूज़ नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ कॉल करेंगे तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये इफेक्टिव है जिसमें हम लोग खिंचावपन हमारा आएगा। लेकिन ये हो गया एन, और ये अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया एन प्लस टू, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये हो गया इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न। ओके, तो ये मैच यहाँ पे टर्न था, बस ये न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा लीफ स्प्रिंग, जो गाड़ी वाड़ी में जो लीफ स्प्रिंग लगता है हम लोग का है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे इस तरह का स्प्रिंग लगा रहता है। ओके, लीफ स्प्रिंग पर हम डिस्कस करेंगे। ओके।